बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन और नई उम्मीदों के साथ तारिक महमूद आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ देसी मुर्गी। इधर एक जगह मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आप जो भी वो परिंदे रखना चाहते हैं, मुर्गी, कबूतर, तितर, बटेर, बाज, शुतुरमुर्ग, जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं आपको जल्दी दिखाऊँगा, वहाँ से मैं फ्रेश मुर्गी लाया हूँ। ये देखें, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देसी मुर्गी है, 1.5 किलो से थोड़ी सी ऊपर है। ये टमाटर है जो कि छीले हुए हैं। ये फ्रेश क्रीम है। ये योगर्ट है। ये गरम मसाला। ये दड़ मिर्च है सुरख वाली। ये धनिया, सूखा धनिया। ये हल्दी। ये जायफल जलबत्री। ये 1/2 टीस्पून है। ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है। और ये श्वास फेफा काली मिर्च है 1 टीस्पून। और ये साल्स है, नमक है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ये वो स्वीबल की पेस्ट है जो उस दिन मैंने बना के रखी थी, वो प्याज़ों की पेस्ट है ना, वो जो मैंने बना के रखी थी, ये वो है। ठीक है सर, तो अब हम जो है इसकी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। देसी मुर्ग कढ़ाई, इंशाल्लाह ताला मज़ेदार कढ़ाई आपको बना के दिखाते हैं जी। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, ये देखें, ये मैंने जो है ना वो पानी ले रखा है, कनूबला और इंगवा, लहसुन और अदरक का पानी मैंने गर्म कर लिया हुआ है। ये मैंने नहीं डालने, और ये मैंने ऐसे सिर्फ इनका पानी डाल देना ऐसे। ठीक है सर, ये ना मैंने सामान डाल दिया, और मुझे इसकी वीडियो जो बनानी है ना वो याद नहीं रही। मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें मैंने वो लहसुन अदरक का पानी डाला, मुर्गी डाली है और टमाटर डाल दिए। लहसुन अदरक नहीं डाला, सिर्फ पानी डाला। और दड़ मिर्च डाली है, नमक डाला है 1-1 टीस्पून, और हल्दी डाली है हमें थोड़ी सी, और अभी कुछ नहीं डाला। अब इसको 15 मिनट के लिए जो है ना वो मैं कुकर में रखूँगा। जैसे ये 15 मिनट गुजरते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है सर जी, अब देखें हमने 15 मिनट इसको कुकर में गाल लिया, अच्छी तरह से ये गल गया, और अब ये पानी खुश्क होगा, फिर हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। ये तकरीबन 30 मिनट का प्रोसीजर है ये देसी मुर्गी की कढ़ाई। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है दूसरों से, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आए। मैं दिखाता हूँ आपको जब ये पानी से ऊपर नहीं जी, पानी हो गया खुश्क। ये देखें, अब इसमें हम डालते हैं दूध। मैंने आपको बताया था ना, मैं ज़्यादा देसी घी, बटर और ये मक्खन और ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। मैं बहुत कम जो है ना कुकिंग ऑयल डालता हूँ। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, और इसमें डालेंगे हम श्वास फेफा, ये काली मिर्च डाल दी है। ठीक है जी, और अब हम इसमें ये थोड़ा मक्खन हो ले ना मेल्ट, तो फिर हम इसमें वो जो मैंने स्वीबल की पेस्ट बनाई है ना वो फिर मैंने डाल दी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना। ठीक है, ये देखें जी, ये बटर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये वाले स्वीबल, वो पेस्ट जो थी प्याज़ों की, ये बस। अब इसको थोड़ा भूनते हैं, जैसे ही ये थोड़ा हो जाता है तो भून जाता है, तो इंशाल्लाह ताला ये योगर्ट और क्रीम डाल के अल्लाह का नाम ले कर तैयार कर देते हैं। ठीक है, वो किसी ने कहा है ना, गीले कागज़ की तरह है ज़िस्त मेरी, गीले कागज़ की तरह है ज़िस्त मेरी, जिस पर ना कोई लिख सके ना कोई जिसे जला सके जी। ये देखें, इसका
वो प्याज भी जो डाली थी पेस्ट वो भी भुन गई है। अब जो है ये फाइनल है, इसकी आग मैंने थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे ये योगर्ट, ये फ्रेश क्रीम, और इसमें अब डालेगा जनाब ये जीरा पाउडर, और ये थोड़ा सा आधा टीस्पून जाना वो गरम मसाला। ये गरम मसाला हमारा घर का बना हुआ है, हम इसको आपकी ना आपको इसकी रेसिपी भी देंगे, सॉरी यार। और ये है जायफल जल्दी, ये अभी थोड़ी सी ना आधे टीस्पून से भी बहुत होगी। अब जैसे ही ये थोड़ा हो जाता है फाइनल, मैं आपको ना इसकी वो लास्ट लुक है वो दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नहीं जी, कढ़ाई बिल्कुल अल्लाह के फजल और उसके करम से, उसकी मेहरबानी से कढ़ाई बिल्कुल तैयार है आपके सामने है। वो मेरे मामू का बेटा और उसकी वाइफ आई है, वो इंशाल्लाह ताला खाएंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि कितनी मज़ेदार है। मैं ऑपरेशन की वजह से ज़रा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खा रहा। ठीक है सर जी, अब मैंने इसे कढ़ाई से निकाल के लहरा से बर्तन में गार्निश नहीं करना, क्योंकि मेरे ख्याल में कढ़ाई का मज़ा कढ़ाई के अंदर है। ठीक है, तो इसको करते हैं इधर गार्निश। ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं अदरक, इंगवा, और इसको देसी मुर्ग के डोएच लैंड में जर्मन में मक्खन क्रीम कढ़ाई, हाँ, मज़ा आएगा। ठीक है जना, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एक दो छोटे से शेरों के साथ। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। मेरे पास मेरे हबीब आ जरा और दिल के करीब आ, मेरे पास मेरे हबीब आ जरा और दिल के करीब आ, तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं कि बिछड़ने का भी डर ना हो। ये रेसिपी हम कुन फूड वालों के नाम करते हैं, बहुत अच्छा है वो मुझे लगते हैं। अल्लाह ताला सबके कारोबार में सबके काम में बरकत डाले। आप अपना सबका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।